हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट आप सभी का स्वागत है इन द डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ नाइन्थ जून 2022 इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में हम कवर करेंगे 10 टू 15 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस आज का फर्स्ट टॉपिक है वॉट इज नोरो रिसेंटली केरला में नोरो के दो केसेस डिटेक्ट हुए हैं नोरोवायरस एक हाइली कंटीजियस वायरस है जिसको स्टमक फ्लू भी कहा जाता है या विंटर वॉमिटिंग बग भी कहा जाता है और ये स्प्रेड होता है थ्रू कंटेमेटेड फूड वाटर एंड सरफेसेस। नोरोवायरस सिमिलर है टू द रोटा वायरस जो कि डायरिया करता है और नोरोवायरस हो सकता है अक्रॉस द एज ग्रुप्स जनरली नोरोवायरस डिजीज होती है ऑन क्रूज शिप्स या फिर नर्सिंग होम्स या डॉर्मेट्रीज और अदर क्लोज स्पेसिस में नोरोवायरस रेजिस्टेंट है टू मैनी डिसइनफेक्टेंस और ये विथस्टैंड कर सकता है हीट अप टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस और इसी कारण से मीयरली फूड को स्टीमिंग करना या फिर क्लोरिनेटिंग ऑफ वाटर डज नॉट किल दिस वायरस इनफैक्ट नोरोस कैन सर्वाइव मैनी हैंड सैनिटाइजर ऑल्सो नोरो वायरस से बचने के लिए बेसिक प्रिकॉशन है रिपीटेड हैंड वॉशिंग विथ सोप नोरो वायरस एक सेल्फ़ लिमिटिंग डिजीज़ करता है जो कि दो से तीन दिन के अंदर अपने आप ही चली जाती है फ्रॉम द इंडिविजुअल्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है वॉट इज एवटॉल यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री एक्सप्लोर कर रही है पॉसिबिलिटी ऑफ़ इन्वाइटिंग मैनुफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चरर्स जिसको कहा जाता है एवटॉल एफ्टॉल एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर टू होवर टऑफ़ एंड लैंड वर्टिकली ज़्यादातर एवटोल्स यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तियांगोंग स्पेस स्टेशन तीन चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है चाइना के तियांगोंग स्पेस स्टेशन में ऑन अ थ्री मंथ मिशन तियांगोंग का मतलब होता है हेवनली पैलेस तियांगोंग स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया गया था ऑन सेप्टेम्बर फिफ्टीन टू में और लेट 2016 में इसने होस्ट किया था टू चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को फॉर थर्टी डेज जो कि चाइना का लॉन्गेस्ट मैं स्पेस मिशन था यहाँ पे यह भी जान लें कि चाइना का फर्स्ट स्पेस स्टेशन जिसको रिसेंटली डी कमीशन किया गया था वो था तैंगोंग वन जो क्रैश कर गया था इन द साउथ पैसिफिक ओशन ऑन फर्स्ट अप्रैल 2018 थाउजेंड वन को लॉन्च किया गया था इन 2011 तेंगोंग स्पेस स्टेशन जो कि 2016 में लॉन्च किया गया है एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसके पास टू रोबोटिक आर्म्स हैं इसके ऊपर यूएस ने कंसर्न शो किया था क्योंकि इनकी एबिलिटी है कि ये ग्रैब कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग सैटेलाइट्स फ्रॉम स्पेस ये चाइना का थर्ड क्रूड मिशन है और तैंगोंग स्पेस स्टेशन रेडी हो जाएगा बाई डिसम्बर टू फर्स्ट क्रूड मिशन कंप्लीट किया गया था इन सेप्टेम्बर टू जब एस्ट्रोनॉट्स ने स्टे किया था फॉर थ्री मंथ्स इसके बाद सेकेंड मिशन भेजा गया था शेंजाउ थर्टीन जहाँ पर थ्री एस्ट्रोनॉट्स ने सिक्स मंथ्स बिताए थे फर्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक है हिमार्स। हिमार्स स्टैंड फॉर हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यूक्रेन को सपोर्ट करने के लिए यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो अपनी एडवांस मिसाइल सिस्टम हिमार्स को यूक्रेन में भेज रहा है हिमार्स एक लॉन्ग रेंज मोबाइल प्रिसीशन आर्टिलरी सिस्टम है जिसको डेवलप किया है लॉकहीड मार्टिन ने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज क्यूआर कोड क्यूआर स्टैंड्स फॉर क्विक रेस्पॉन्स कोड क्यूआर कोड एक टू डायमेंशनल वर्जन है बार कोड का जो कि ईजीली रीड किया जा सकता है अ डिजिटल डिवाइस क्यू आर कोड बने होते हैं ब्लैक एंड वाइट पिक्सल पैटर्न्स के लिए और ये स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन इन स्क्वायर शेप्ड रिग्रेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है इंटरनेशनल डे ऑफ यू एन पीस जिसको रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था ऑन ट्वेंटी नाइन्थ मे इंटरनेशनल डे ऑफ यू एन पीस कीपर्स को ट्वेंटी नाइन्थ मे को सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकगनाइज द सर्विस एंड सेक्रीफाइस ऑफ मोर देन वन मिलियन पर्सनल जिन्होंने सर्विस दी है अंडर यू एन पीस कीपिंग मिशन नाइनटीन फोर्टी एट से यू एन पीस कीपिंग मिशन ने प्रोवाइड की है सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट उन कंट्रीज़ को जो कि ट्रांजिट कर रही हैं फ्रॉम कन्फ्लिक्ट पीस फर्स्ट यू एन पीस कीपिंग मिशन इस्टेबलिश किया गया था इन मे नाइनटीन फोटी एट टू मोनिटर द आर्मस्ट्रीज अग्रीमेंट जो कि हुआ था बिटवीन इसराइल एंड द अरब नेबर्स इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ है यू एन पीस कीपिंग मिशन की और टू थाउजेंड सेवन में इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिप्लॉय ऑल वीमेन कॉन्टिजेंट टू द यू एन पीस कीपिंग मिशन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम है इंडिया और इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर्स ने होल्ड की हैं बालेट्रल टॉक्स दोनों नेशंस ने अडॉप्ट किया इंडिया इसराइल विजन ऑन डिफेंस कोऑपरेशन इसी के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट भी एक्सचेंज किया गया फॉर एनहेंसिंग कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फ्यूचरिस्टिक डिफेंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यह फैक्ट जान लें कि इंडिया और इसराइल ने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे इन नाइनटीन और तभी से इसराइल इंडिया का टॉप डिफेंस पार्टनर बन गया है सीपरी 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इसराइल से 13 परसेंट ऑफ द डिफेंस इंपोर्ट्स लेता है इसराइल ने इंडिया को मिसाइल्स दी हैं जैसे कि बैरैक एय जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है एंड स्पाइक जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है अगर यू की बात करें तो हेरॉप और हेरॉन यू जो हैं हमें इसराइल ने दिए हैं इंडिया इसराइल का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है इन टू थाउजेंड उत्तर प्रदेश ने साइन किया है विद इसराइल अ प्लान ऑफ कॉपरेशन ताकि रिजॉल्व किया जा सके बुंदेलखंड रीजन का वाटर क्राइसिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है व्हाट आर ग्रीन बॉन्ड्स पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने लिस्ट किए हैं 300 मिलियन यूरोस के ग्रीन बॉन्ड्स ऑन लग्जम्बर्ग ग्रीन एक्सचेंज ग्रीन बॉन्ड्स बेसिकली फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है उन प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए जिनका एनवायरमेंट पर पॉजिटिव इम्पैक्ट हो फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए गए थे इन 2007 जिनको कि ट्रिपल ए रेटिंग मिली थी फ्रॉम यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक इंडिया में ग्रीन बॉन्ड्स को रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या होती है नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ऑफ द कंपनीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स ऐसी कंपनी फॉर्म की जाती है विद द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग कॉमर्स आर्ट साइंस रिलीजन चैरिटी या एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट अगर नॉट फॉर प्रॉफिट चैरिटेबल कंपनी को कोई प्रॉफिट हो जाता है या कोई और इनकम आती है तो वो उसका इस्तेमाल करती है इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स और ये कंपनी अपने मेंबर्स को कोई भी डिविडेंड पे नहीं करती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है कि कनाडा ने हिस्टोरिक डील साइन की है रिगार्डिंग द ट्राइबल लैंड क्लेम सेटलमेंट कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन टिड्यू ने साइन की है वन बिलियन डॉलर की डील टू सेटल द सेंचुरी ओल्ड क्लेम ऑफ द ब्लैक ट्राइब इस सेटलमेंट का एम था पास रॉन्ग्स को राइट करना जो कि किए गए थे ओवर अ सेंचुरी बैक जब कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिस ब्रेक किए थे और रॉन्गफुली टेक ओवर कर लिया था हाफ ऑफ दिसिसका नेशन रिजर्व्स लैंड जो कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एंड मिनरल रिच लैंड थे और इस लैंड को सेल कर दिया गया था टू द सेटलर्स यहाँ पे ये फैक्ट जान लें कि ये सिकसिसा ट्राइब रहती है अल्बर्टा प्रोविंस में इन कैनाडा गवर्नमेंट ने इनका हाफ ऑफ द रिज़र्व लैंड ले लिया था इन 1910 और उसका इस्तेमाल किया था फॉर रिसोर्स डेवलपमेंट एज वेल एज उसको बेचा था टू द सेटलर्स अब जो ये सेटलमेंट डील की गई है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट अग्रीमेंट्स ऑफ इट्स काइंड है इन कैनेडा यहाँ पे ये बात भी समझ लें कि फर्स्ट नेशन एक टर्म है जो आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उन इंडिजीनियस कैनेडियन पीपल को जो ना तो इन्यट्स ट्राइब हैं ना ही मेटीज हैं कैनेडियन गवर्नमेंट इन इंडिजीनियस पीपल के क्लेम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम्स एंड स्पेसिफिक क्लेम्स कॉम्प्रिहेंसिव क्लेम्स डील करते हैं विद द इंडीजीनियस राइट्स ऑफ मेटीज और स्पेसिफिक क्लेम्स डील करते हैं विद द राइट्स ऑफ द फर्स्ट नेशन कम्युनिटीज तो दोस्तों ये थी हमारी डेली न्यूज एनालिसिस फॉर नाइन्थ जून 2022 अगर ये आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहां हम देते हैं फ्री क्वेश्चन बैंक एंड फ्री नोट्स थैंक यू